तो जैसा कि होंडा ने अपनी एलिवेट को लॉन्च कर दिया है एंड आप में से हो सकता है कई लोग इसको ऑलरेडी बुक करा चुके होंगे या फिर बुक कराने की सोच रहे होंगे, तो खैर जब भी हम गाड़ी बुक करा लेते हैं और डिलीवरी के टाइम में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमारे को, तो उस टाइम हम यही सोच रहे होते हैं कि अपने इस गाड़ी में हम क्या क्या एक्सेसरीज लगवाएंगे। तो खैर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि आप अपनी इस होंडा एलिवेट में क्या क्या ऑफिशियल एक्सेसरीज लगवा सकते हो फ्रॉम होंडा एंड कितने में। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एक्सटीरियर एक्सेसरीज की कि इसके एक्सटीरियर में आप कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवा सकते हो। तो इसके एक्सटीरियर में सबसे पहले तो आप फ्रंट में लगवा सकते हो अंडर स्पॉइलर एंड इसके लिए आपको 12,500 रुपये देने पड़ेंगे एंड अंडर स्पॉइलर के बाद ये कुछ इस तरह की दिखेगी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके साइड में भी अंडर स्पॉइलर लगवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे एंड साइड अंडर स्पॉइलर के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके रियर लोअर में भी गार्निश करवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 12,500 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड उसके बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा इसके रियर लोअर गार्निश का। जो अगली एक्सेसरीज है वो आप इसके क्वार्टर पिलर पे भी गार्निश करवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। एंड जो हमारी अगली एक्सेसरीज है वो है साइड प्रोटेक्टर एंड इसकी जो कीमत है वो 5,700 रुपये है एंड इस साइड प्रोटेक्टर का जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। इसके एक्सटीरियर में जो हमारी अगली एक्सेसरीज है वो है बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर एंड यहाँ पे इसके लिए होंडा 4,000 रुपये चार्ज कर रही है। तो आप इसके बम्पर में कुछ इस तरह से कॉर्नर प्रोटेक्टर लगवा सकते हो एंड वो कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके अलावा आप इसके फ्रंट में फेंडर गार्निश भी करवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे एंड ये कुछ इस तरह का लुक आता है इसके फ्रंट फेंडर गार्निश का, जिसमें आपको एलिवेट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आप इसके फ्रंट में जो ग्रिल है उस पर भी गार्निश करवा सकते हो एंड कुछ इस तरह का आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाता है एंड इसके लिए आपको 4,500 रुपये यानी कि 4,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके एक्सटीरियर में डोर वाइजर क्रोम लगवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 4,700 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अगली एक्सेसरीज है वो है डोर एज गार्निश एंड इसके लिए आपको 1,300 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड इस तरह से आपको ये डोर गार्ड मिल जाता है। उसके अलावा आप चाहो तो टेलगेट गार्निश भी लगवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारे को क्रोम गार्निश दिया जा रहा है। एंड उसके अलावा आप अपनी एलिवेट के लिए बॉडी कवर ले सकते हो एंड इसकी जो प्राइस है वो 1,850 यानी कि 1,850 रुपये है। जो अगली एक्सेसरीज है हमारी वो है फॉग लैम्प गार्निश एंड इसके लिए आपको 2,650 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड ये भी काफ़ी सही लग रहा है देखने में। इसी तरह से जो हमारी अगली एक्सेसरीज है वो है टेल लैम्प गार्निश, तो आप इसके टेल लैम्प पे भी क्रोम लगवा सकते हो। तो जो टेल गेट वाला क्रोम था वही थोड़ा सा और एक्सटेंड होकर के इसके टेल लाइट को कवर कर लेता है। इसके अलावा जो हमारी अब अगली एक्सेसरीज है एक्सटीरियर में वो है डोर हैंडल प्रोटेक्टर एंड जो इसकी प्राइस है वो 1,650 रुपये है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी लगवा सकते हो एंड ये जो डोर खोलते टाइम जो नाखून से स्क्रैच लग जाते हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा। जो हमारी अगली एक्सेसरीज है एक्सटीरियर की वो है डोर मिरर गार्निश, तो आप इसके जो ORVMs हैं उस पर भी क्रोम लगवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 2,200 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब जो एक्सटीरियर की हमारी अगली एक्सेसरीज है वो है फ्रंट फॉग लाइट, तो अगर आप जैसे नीचे का वेरियंट ले रहे हो आपको फॉग लाइट नहीं मिल रही है तो वो भी आप लगवा सकते हो बट उसके लिए आपको यहाँ पे 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड जो हमारी अगली एक्सेसरीज है वो है मडगार्ड किट एंड यहाँ पे होंडा इसके लिए 2,000 रुपये चार्ज कर रही है। भाई साहब कतई लूट मची है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को एंटी फॉग फिल्म मिल जाती है, इसके लिए आपको 450 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड जो हमारी एक्सटीरियर की आखिरी एक्सेसरीज है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इसके लिए यहाँ पे होंडा 10,000 रुपये चार्ज कर रही है। तो आप चाहो तो इस पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगवा सकते हो जो इसके एच कनेक्ट ऐप से कनेक्ट भी रहेगा एंड बट आपको उसके लिए 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली इस होंडा एलिवेट के एक्सटीरियर एसेसरीज की एंड ये सारी एसेसरीज लगवाने के बाद जो इसका ओवरऑल जो लुक आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं इसके इंटीरियर में एंड देखते हैं कि इस होंडा एलिवेट में क्या क्या एसेसरीज आप लगवा सकते हो जो होंडा आपको ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर टेल गेट एंट्री गार्ड लगवा सकते हो जिसके लिए आपको 3,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इल्यूमिनेटेड स्टेप गार्ड मिल जाता है जिसके लिए आपको 7,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो अगली एसेसरीज है वो है व्हील कवर, तो आप इस पर व्हील कवर लगवा सकते हो एंड इसके लिए होंडा 800 रुपये चार्ज कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे फ्लोर मैट ऑफर किए जा रहे हैं 2,100 रुपये में, तो आप चाहो तो इस पर फ्लोर मैट भी लगवा सकते हो होंडा की तरफ से।
तो जो अगली एसेसरीज होंडा ऑफर कर रही है वो है कार्गो ट्रे, एंड इसके लिए आपको 3,650 रुपये पे करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से तो ये मस्ट हैव एसेसरीज है, ये तो आपको डेफिनेटली लगवानी ही चाहिए। इसके बाद जो अगली एसेसरीज है वो है सीट कवर्स, तो आप चाहो तो यहाँ पे सीट कवर लगा सकते हो, और आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीट कवर्स मिल जाते हैं, एंड इन सभी की जो प्राइसेस है वो 10,000 है। तो अगर आप लग्जूरियस ब्लैक लगवाते हो तो कुछ इस तरह का फिनिश आएगा, वहीं अगर आप इसको स्क्वायर पैटर्न में लेते हो तो कुछ इस तरह का लुक आएगा, वहीं अगर आप इसको ब्लैक एंड बेज में लेते हो तो कुछ इस तरह का लुक आएगा, एंड वहीं अगर आप यहाँ पे रिबेट डिज़ाइन लेते हो तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आएगा। तो बेसिकली ये 10,000 रुपये है, एंड इन चारों में अगर सीट कवर को अगर मैं एक एक करके आपको फिर से दिखाऊं तो जो पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो मुझे लग रहा है इसका ब्लैक एंड बेज। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अब लिस्ट में हमारी जो अगली एसेसरीज है वो है फुटलाइट, तो यहाँ पे 4,500 रुपये लगेंगे और आपको फुटलाइट मिल जाएगी। अब जो अगली एसेसरीज है वो है ड्राइव व्यू रिकॉर्डर, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ड्राइव व्यू रिकॉर्डर बेसिकली डैश कैम लगवा सकते हो, एंड ये फिलिप्स का डैश कैम है, काफ़ी सही चीज़ है। मेरे हिसाब से डैश कैम तो गाड़ी में होना ही चाहिए, ये एक मस्ट हैव एसेसरीज है, मैंने अपने हर एसेसरीज वीडियोज में कहा है, एंड यहाँ पे 12,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली एसेसरीज की तरफ, तो यहाँ पे हमारे को कुशन हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड इसके लिए आपको 1,200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है दिखने में, क्वालिटी इसकी होंडा की बैजिंग है तो काफ़ी सही है ये। तो ये सारी इंटीरियर एसेसरीज के बाद आपकी एलिवेट कुछ इस तरह की दिखने वाली है, एंड यही एसेसरीज अगर मैं टॉप मॉडल में आप लगवाते हैं तो फिर कुछ इस तरह का लुक हो जाएगा। तो ये तो मैंने शेयर कर दिया आपसे इस होंडा की सारी ऑफिशियल एसेसरीज जो हमको होंडा की तरफ से ऑफर की जा रही हैं, बट पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, मतलब होंडा यहाँ पे अपनी एसेसरीज का काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम प्राइस चार्ज कर रही है। मुझे लग रहा गाड़ी नहीं बिक रही तो शायद वो सारा पैसा एसेसरीज बेच के ही निकाल लेना चाह रहे हैं। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी अगर आपको लगवानी है, आपके पास पैसा है तो आप डेफिनेटली लगवा सकते हो, हमारा काम है आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो हमने किया। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको ये महंगी लगी या नहीं, एंड अगर आप एसेसरीज लगवाने वाले हो तो आप इनमें से कौन कौन सी डेफिनेटली लगवाओगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।